झारखंड राज्य को मिला नया मुख्यमंत्री, सियासी उठापटक के बीच चंपई सोरेन ने ली सीएम पद की शपथ। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका, अर्जी सुनने से कोर्ट ने किया इंकार। 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजे गए पूर्व सीएम। झारखंड में जेएमएम को सता रहा ऑपरेशन लोटस का खतरा, महागठबंधन टूटने के डर से 36 विधायकों को भेजा गया हैदराबाद। इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर फिर खड़े हुए सवाल, वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने कहा अस्तित्व में नहीं है विपक्षी गठबंधन। गठबंधन में तकरार पर बसपा पार्टी का बयान, सांसद मलुक नागर ने कहा मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाया होता तो नहीं बिखरता गठबंधन। दिल्ली में आंदोलन की तैयारी कर रही कर्नाटक कांग्रेस, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा 62,000 करोड़ रुपए का फंड केंद्र के पास बकाया। केंद्र सरकार पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का वार, कहा पुजारी सम्राट बन चुके हैं पीएम मोदी, सरकार ने लोकतंत्र को खोखला कर दिया। राहुल गांधी की यात्रा पर निशिकांत दुबे का निशाना, मंदिर में दर्शन करने को लेकर बीजेपी सांसद ने कहा पुजारी उनका स्वागत करें और उन्हें उपहार दें। ज्ञानवापी फैसले पर रामगोपाल यादव का बयान, सपा नेता ने कहा कई मौकों पर अदालतें नहीं सुनाती सही फैसला। और उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी तेज, समिति ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा ड्राफ्ट, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक। तो खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए बीएनपी इंडिया।